नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। 6 महीने बाद खुले धार्मिक स्थल, भक्तों में दिखा दर्शन करने का उत्साह। मार्च से कोरोना महामारी को लेकर सभी धार्मिक स्थल बंद किए गए थे, मगर आज 6 महीने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसमें कानपुर शहर में स्थित पनकी मंदिर के पट खुलते ही भक्तों के चेहरे पर रौनक आ गई है और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले दुकानदारों के भी चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं। कोरोना वायरस को लेकर 22 मार्च से जो मंदिर बंद करे गए थे, जिसमें कोरोना वायरस ना बढ़े उसको लेकर के आज ठीक 7 महीने बाद सारे मंदिर खोले गए। हमारे साथ यहाँ पनकी के महान जी खड़े हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं क्या क्या नए नए गाइडलाइन आए। भक्तों के मन में एक उल्लास है, इसके बारे में तो भक्ति विशेष ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उनको एक तरह से मायूसी हो रही थी 7 महीने में, क्योंकि आदमी जब भी कष्ट पड़ता है तो वो अपने देवालय में जाता है। जो हिंदू होता है वो मंदिरों में जाता है, मुस्लिम होता है वो मस्जिदों में जाता है, ईसाई होता है वो चर्च में जाता है, सिख होता है वो गुरुद्वारे में जाता है। आज जो है विश्व के अंदर ये जब से मानव संस्कृति उत्पन्न हुई है, तब से ये पहला इतिहास में मौका है कि ऐसा काम हुआ है कि 7 महीने तक लगातार हमारे जो है मंदिर मस्जिद चर्च बंद। नमाजी मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाकर शब्द कीर्तन कर सकते हैं और ईसाई गिरजाघरों में प्रेयर्स कर सकते हैं, लेकिन सभी गाइडलाइंस का ख्याल रखना होगा। सरकार का जो आदेश था, जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया, उसी के मुताबिक हम लोग सारा पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ अपने स्टिकर हमें लगवा दिया है, आदमी उसी जगह पे खड़े होते हैं और जैसा वो कह रहा है वैसे हम लोग उसे अमल कर रहे हैं। लॉकडाउन में अगर कानपुर शहर में कोई धार्मिक स्थल खुला था तो नवाबगंज द्वारा था, क्योंकि यहाँ से बाबा जी की रसोई द्वारा पूरे शहर के कई थानों में और कई क्षेत्रों में खाना वितरित हो रहा था। बड़ी खुशी की बात है कि अब सारे धार्मिक स्थल खुल गए हैं और श्रद्धालु अब आकर आराधना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। LLJM मेथोडिस्ट चर्च भी आज से खुल गया। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था और भी अन्य नियमों का पालन करना आवश्यक रहेगा। कैमरामैन शाहरुख के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत, कानपुर।